राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में खुलासे के बाद अब एक और हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े को नए खुलासे हुए। इस एग्जाम में फर्जी डिग्री लाकर मेरिट हासिल करने वाली 2 युवतियों से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पूछताछ जारी है। युवतियों ने बताया कि उन्हें एमए की फर्जी डिग्री उनके भाइयों ने ला कर दी थी। आरोपी सरकारी टीचर गुरुवार रात साचौर और दूसरा आरोपी शुक्रवार को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक युवक दलपत सिंह सरकारी टीचर है, वही दूसरा आरोपी डॉक्टर है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री ली गई। दरअसल बुधवार को सुजी ने फर्जी डिग्री लाकर एग्जाम देने वाली दोनों युवतियाँ कमला और ब्रह्म कुमारी को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में राजस्थान लोकसेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में बताया गया कि आरपीएससी ने 2022 में स्कूल लेक्चरर एग्जाम आयोजित करवाया था और इसमें ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन में दोनों युवतियों ने फर्जी डिग्रियां सबमिट की थी। इसके बाद जब जून 2023 में इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया तो ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी की इस एग्जाम में 7वीं और 6वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद दोनों कैंडिडेट को 31 जुलाई से 14 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंची और अब बुधवार को दोनों यहाँ आई तो इनको सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने यह पूरा मामला एसओजी को सौंप दिया और अब पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है।